भारत में कोविड-19 महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस भी महामारी बनकर सामने आया है। पिछले हफ्ते हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक 18 से अधिक राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अप्रैल में जब कोविड-19 की दूसरी लहर में केस बढ़े और ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, तब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल में डाइवर्ट किया गया। कहीं ना कहीं यह भी ब्लैक फंगस का ही कारण हो सकता है। अप्रैल मई में हर बड़े शहर में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा, तब सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल की इजाज़त दी। इसके बाद तो जिस भी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन लगती थी, वहां से ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचने लगी। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में भी शुद्धता का स्तर 94 से 95% होता है, जबकि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन में शुद्धता 99% होती है। डॉक्टर लतायल का कहना है कि मेडिकल ऑक्सीजन शुद्धता के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरती है।